अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है दी अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। कोरोना वायरस का स्लीपिंग मॉड्यूल अब मेरठ में खुलकर सामने आने लगा है। एक के बाद एक नए मामले सामने आने से प्रशासन के साथ ही अब आम लोगों के भी हाथ पांव फूलते नजर आने लगे हैं। रजबन की एक गर्भवती महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया था, लेकिन शहर के दूसरे इलाके पल्लवपुरम में भी आज कुछ लोगों का क्वारंटीन किया गया है। इस बीच शाम होते होते लिसाड़ी गेट के अहमदनगर में चार लोगों के कोरोना संक्रमित होने की सूचना मात्र से हड़कंप मच गया। तुरंत ही टीम ने पहुंचकर इन चारों को कवर कर लिया, साथ ही पूरे परिवार को भी एकांतवास की व्यवस्था कर दी गई है। इस बीच मुल्तान नगर में मित्तल डेयरी से एक युवक को भी पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कवर कर लिया है। वर्तमान में मेरठ में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक संक्रमित लोगों का आंकड़ा 82 है, जबकि अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरठ में 22 हॉटस्पॉट हैं, जो बढ़कर करीब 25 होने की आशंका है। देर शाम तक आज हुए टेस्टिंग के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। उधर प्रदेश के अपर गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने जिन जिलों में हॉटस्पॉट की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, वहां टेस्टिंग के लिए अलग से व्यवस्था करने की बात कही है। साथ ही कहा है कि रमजान में आवश्यक सामग्री की आपूर्ति रहेगी, लिहाजा घरों के भीतर ही इफ्तार करें। इस अदृश्य शत्रु का सामना घर में रहकर ही किया जा सकता है। अतः फर्स्ट बाइट अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि घर पर रहें और सेफ रहें। इसका एकमात्र उपाय सिर्फ यही है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।